चीन के कर्ज के नीचे दबा श्रीलंका साल 2022 में डिफॉल्ट कर गया था। आर्थिक संकट ऐसा था कि देश में भुखमरी जैसी स्थिति बन गई। इससे श्रीलंका को बचाने के लिए पड़ोसी का धर्म निभाते हुए भारत सबसे आगे आया। अब जब एक बार फिर श्रीलंका अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो दोबारा से चीन के करीब जाने में लगा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने चीन की यात्रा पर गए हैं। बुधवार यानी 27 मार्च को उन्होंने कहा कि चीन ने श्रीलंका के रणनीतिक गहरे बंदरगाह और राजधानी के हवाई अड्डे को विकसित करने का वादा किया है। चीन के साथ मिलकर श्रीलंका बंदरगाह बनाने की बात तब कर रहा है जब वो घाटे के कारण हम्बनटोटा पोर्ट को पहले ही बीजिंग को 99 साल की लीज पर दे चुका है। गुणवर्धने ने कहा कि चीन श्रीलंका के बाहरी ऋण पुनर्गठन में मदद करेगा, जो 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के IMF बेलआउट पैकेज को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण शर्त है। ऋण पुनर्गठन पर चीन की स्थिति सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन श्रीलंकाई अधिकारियों का कहना है कि चीन अपने कर्जों पर कटौती करने का अनिच्छुक था, लेकिन समय सीमा बढ़ाने और ब्याज दरों को एडजस्ट करने को तैयार है। 2022 में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली हो गया था और वो जरूरी सामानों को आयात नहीं कर सकता था। डिफॉल्ट होने के बाद श्रीलंका में प्रदर्शन देखे गए। इस कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा। गुणवर्धने के कार्यालय ने कहा कि चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने वादा किया था कि चीन श्रीलंका की ऋण पुनर्गठन प्रक्रिया में लगातार मदद करेगा और श्रीलंका को अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद करेगा। बयान में आगे कहा गया कि चीन ने कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के लिए मदद की पेशकश की। कोलंबो हवाई अड्डे का विस्तार जापान की फंडिंग से किया जा रहा था, लेकिन डिफॉल्ट के बाद से ये काम रुक गया। हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन के कर्ज के जरिए श्रीलंका ने बनाया था, लेकिन साल 2017 में चीन के स्वामित्व वाली कंपनी को श्रीलंका ने 1.12 अरब अमेरिकी डॉलर में 99 साल के पट्टे पर सौंप दिया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।